तो इस गोरखपुर की रेस में अशोक राय जी की चेतक प्रतियोगिता में हरे राम सिंह मुखिया बिहार झौवा बिहार का ये घोड़ा जीत चुका है। हरे राम मुखिया जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। क्या हाल है हरे राम मुखिया जी? हाल तो ठीक है, बढ़िया है। कैसी रही प्रतियोगिता आपके लिए? बहुत अच्छी हुआ, नहीं हुआ है। बढ़िया प्रतियोगिता हुई। घोड़ा तो आज आपका काफी शानदार चला है, सेमी से बेहतर इसका प्रदर्शन फाइनल में देखने के लिए मिला। सेमी में जब घोड़ा दौड़ रहा था, क्या उम्मीदें थी आपको? हमको उम्मीद था जीतेगा घोड़ा, जरूर जीतेगा। सेमी से कुछ टेंशनलाइज नहीं हुए? कुछ नहीं, कुछ नहीं, विश्वास घोड़े पे और घुड़सवार पे बना था। तो गोरखपुर के नाम पर एक टैग लगी कि गोरखपुर में प्रतियोगिताएं बढ़िया नहीं होती हैं। तो ये प्रतियोगिता कैसी रही? इसलिए नहीं बताइएगा कि जीत गए हैं? नहीं, जीतने से नहीं, ये देखें यहाँ का व्यवस्था बहुत अच्छी था, व्यवस्था बढ़िया थी। हाँ। आगे कहाँ की तैयारी है? अब तो मुजफ्फरपुर या फैजाबाद, मुजफ्फरपुर या फैजाबाद में घोड़ा उतरेगा। तो हरे राम मुखिया जी थे और सवार मकाऊ हैं, हम इनकी घुड़सवारी आपको दिखाएंगे। मकाऊ जी, क्या हालचाल रहा रेस का? बहुत बढ़िया था, बढ़िया था। हाँ। सेमी में कुछ नर्वस दिख रहे थे आप? हाँ, थोड़ा डाउन किए थे। डाउन किए थे? हाँ। डाउन किए थे तो चाल भी थोड़ी बिगड़ रही थी। हाँ, तो थोड़ा गर्म की वजह से थोड़ा हो रहा था। फाइनल में तो रफ्तार ही बदल दी है। हाँ। खेल छुपा के रखे थे। तो ये सवार थे और मालिक थे, खुशियां आप देख सकते हैं चमचमाती है। एक मोटरसाइकिल ये कहाँ छुपा दिए हैं? तो आइए देख लीजिए, मोटरसाइकिल भी दिखा दे, आइए साथ चलिए और मोटरसाइकिल भी देख लिया जाए। देखिए भाई, छुपा के इधर रख लिए हैं। तो जीत गए हैं तो मिठाई उठाई बाटी है कि? मिठाई तो मंगाए नहीं है, मोटरसाइकिल भी है, गाड़ी भी है, मिठाई तो आई नहीं है। तो मिठाई में इतना लेट? घोड़ा घोड़ा आपका इतना तेज दौड़ रहा है, सबसे आगे दौड़ रहा है, मिठाई मंगाने में लेट कर रहे हैं। बताइए, दर्शक भी पहुंचे हैं आपके यहाँ, मिठाई मंगा रहे हैं, कोई है नहीं लाने वाला इसलिए। तो चलिए, मुखिया जी थे, काफी शानदार इनका घोड़ा रहा और प्रदर्शन भी बेहतर रहा। आगे देखते हैं कि किस प्रतियोगिता में उतरते हैं और वहाँ पर इनकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी रहती है।